नाउ सी बेटा, क्वेश्चन नंबर इट्स 14. साइन 3 अल्फा इक्वल्स टू 4 साइन अल्फा साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा. तो साइन 3 अल्फा इक्वल्स टू 4 साइन अल्फा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी. सो इट इज साइन 3 अल्फा. साइन 3 अल्फा का फॉर्मूला लगा लीजिए, 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा इक्वल्स टू 4 साइन अल्फा साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा. साइन क्यूब अल्फा से साइन क्यूब अल्फा कैंसिल. अब आपके पास जो टर्म बचा है 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन अल्फा सॉरी 4 साइन अल्फा साइन स्क्वेयर थीटा. 4 साइन अल्फा साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 0. सो साइन अल्फा कॉमन लिया, 3 माइनस 4 साइन स्क्वेयर थीटा. अब आइदर साइन अल्फा इक्वल्स टू 0 और ब्रैकेट टर्म इक्वल्स टू 0. साइन अल्फा तो 0 होगा नहीं, क्योंकि साइन अल्फा के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, आपका वेरिएबल थीटा है. सो 3 माइनस 4 साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 0 सीन्स साइन अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो आपके पास आ जाएगा 3 इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वेयर थीटा. नेक्स्ट स्टेप देखिए, 3 इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वेयर थीटा. साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 3/4, दैट इज यहाँ स्क्वेयर है तो राइट साइड में भी स्क्वेयर बना ले, √3/2 का स्क्वेयर. सो साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू साइन में √3/2 कब आता है 60 पे, पाई बाय 3 का स्क्वेयर. साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर अल्फा, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 17. टेन पी थीटा इक्वल्स टू कॉट क्यू थीटा. नाउ टेन लेफ्ट साइड में 10 है, राइट साइड में कॉट है, फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो कर पाएंगे, तो कॉट को 10 में चेंज कीजिए. कॉट थीटा इक्वल्स टू 10 90 माइनस थीटा. अब आप लगा सकते हैं 10 थीटा इक्वल्स टू 10 अल्फा, तो थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा इज पाई बाय 2 माइनस क्यू थीटा. देखिए बेटा, थीटा की वैल्यू थीटा के टर्म्स में निकालनी है, तो आपको क्यू थीटा को वहां शिफ्ट करना पड़ेगा. तो पी थीटा यहाँ बाहर प्लस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस ही रहेगा जो वहाँ गया, तो क्यू थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस पाई बाय 2. क्योंकि थीटा की वैल्यू थीटा के टर्म्स में नहीं निकाल सकते, आपको थीटा को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. थीटा कॉमन लिया, पी प्लस क्यू एन पाई प्लस पाई बाय 2. सो थीटा इक्वल्स टू एन पाई अपॉन पी प्लस क्यू प्लस पाई बाय 2 इंटू पी प्लस क्यू. नाउ सी अनदर क्वेश्चन 18 देख लीजिए, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है. साइन एम एक्स प्लस साइन एन एक्स. आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, आप इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगा के भी कर सकते हैं, और आप इसको उधर ले जाकर भी कर सकते हैं. अगर हम साइन सी प्लस साइन डी से ज़्यादा इजी होता है, साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2 इक्वल्स टू 0. अ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी 0 व्हेन आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0. या तो आपका ये टर्म 0 होगा या तो ये टर्म 0 होगा, तो 2 तो 0 होगा नहीं. साइन एम एक्स प्लस एन एक्स अपॉन 2 इक्वल्स टू 0, और कॉस एम एक्स माइनस एन एक्स अपॉन 2 इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज, देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू 0 तो फॉर्मूला लग जाएगा, पहले इसको थीटा के टर्म्स में लिखिए. साइन को लिखिए एम प्लस एन अपॉन 2 एक्स इक्वल्स टू 0, दैट इज साइन थीटा इक्वल्स टू 0. दिस इज योर थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा इक्वल्स टू एन पाई होता है, पर हम एन नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में एम और एन है, तो हम पी लगा लेंगे. एम प्लस एन अपॉन 2 ये आपका थीटा इक्वल्स टू पी पाई, तो एक्स इक्वल्स टू पी पाई 2 पर 2 पी पाई अपॉन एम प्लस एन. P belongs to I. ये तो फर्स्ट टर्म का निकाला, अब सेकेंड टर्म cos का है, उसको भी देखेंगे. cos of m, x कॉमन ले लेते हैं, m माइनस एन अपॉन 2 सॉरी x इक्वल्स टू 0. cos थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा इक्वल्स टू 2
टू एन पाए प्लस माइनस, सॉरी एन नहीं, टू एन प्लस वन पाए बाय टू। तो एन नहीं यूज़ करेंगे फॉर्मूले का, फॉर्मूले में पी यूज़ करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन में एन है, टू एन प्लस वन पाए बाय टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाए बाय टू, पी बिलोंग्स टू जेड। तो एक्स इक्वल्स टू टू इंटू टू पी प्लस वन अपॉन एम माइनस एन पाए बाय टू, टू से टू कैंसल, एक्स इक्वल्स टू टू पी प्लस वन एम माइनस एन पाए बाय टू, पी बिलोंग्स टू आई। नाउ सी वन मोर क्वेश्चन, एक और बता देती हूँ मैं आपको, दो बता देती हूँ, 21st और 22nd, उसके बाद 24th बता दूंगी। 21 क्या है, टेन टू एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस फाइव बाई थ्री। अब देखिए बताओ, टेन टू एक्स कॉट में चेंज, कॉट को पहले 10 में चेंज करना है, माइनस को एज इट इज रहने दीजिए, 10 पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस फाइव बाई थ्री। ये हमने कॉट को पहले 10 में चेंज कर दिया। अब आपको बताया गया था कि जब भी 10 में बाहर माइनस हो तो उसको डायरेक्ट अंदर ले लेते हैं, क्योंकि माइनस 10 थीटा इक्वल्स टू 10 ऑफ माइनस थीटा होता है। तो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाय टू प्लस एक्स प्लस पाई बाय थ्री, और 10 थीटा इक्वल्स टू 10 अल्फा अप्लाई कर देंगे तो थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा, तो अल्फा में ये पूरा आ जाएगा आपके पास माइनस पाई बाय टू प्लस एक्स प्लस पाई बाय थ्री। इसको सिंप्लीफाई कीजिए ब्रैकेट ओपन करके, सो इट विल बिकम टू एक्स इक्वल्स टू एन पाई माइनस पाई बाय टू प्लस एक्स प्लस पाई बाय थ्री। सो इट इज एक्स उधर शिफ्ट कर दें, दैट इज एक्स इक्वल्स टू एन पाई माइनस 90 प्लस 60, दैट इज माइनस 30, तो माइनस पाई बाय थ्री। नाउ सी बेटा, एन पाई माइनस ये हो जाएगा 90 माइनस 60, सो इट इज 90 माइनस 60 दैट इज 30 पाई बाय 6, एन बिलोंग्स टू आई। देखिए इसके बाद एक और क्वेश्चन 22nd, ये भी थोड़ा अलग टाइप का है, ये भी बता देती हूँ मैं आपको। 10 टू थीटा इक्वल्स टू 10 टू बाय थीटा, तो 10 थीटा इक्वल्स टू 10 अल्फा, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा। अब बेटा ये भी थीटा, ये भी थीटा, आपको पहले ही कहा थीटा की वैल्यू थीटा के टर्म्स में नहीं निकालते, तो इसको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। 2 थीटा माइनस 2 बाय थीटा इक्वल्स टू एन पाई, ऑन टेकिंग एलसीएम 2 थीटा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू एन पाई थीटा। अब क्वाड्रेटिक बनी है लेकिन ये स्प्लिट नहीं कर पाएंगे हम, तो इसको फॉर्मूला मेथड लगाना पड़ेगा क्योंकि एन पाई आप नहीं कर पाएंगे इसमें। तो फॉर्मूला मेथड आप सबने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो फॉर्मूला मेथड होता है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी, बी आपका यहाँ क्या है माइनस ऑफ माइनस एन पाई प्लस माइनस बी स्क्वेयर, तो माइनस एन पाई का होल स्क्वेयर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 2 इंटू माइनस 2 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 2, सो थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर 8 2 16 प्लस 16 अपॉन 4। अब इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, तो बस ये आपका यही सॉल्यूशन है जनरल, एन बिलोंग्स टू आई। नाउ द लास्ट क्वेश्चन 24th क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका कॉमन सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। फाइंड द मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशन 10 थीटा इक्वल्स टू माइनस वाई माइनस वन एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/√2। तो 10 थीटा इक्वल्स टू माइनस वन एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/√2। बेटा ये आपको इसमें कॉमन सॉल्यूशन बताना है, मोस्ट जनरल वैल्यू मीन्स कॉमन सॉल्यूशन दोनों का क्या है। तो कॉमन सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें 10 नेगेटिव होता है और कॉस पॉजिटिव होता है। तो 10 नेगेटिव और कॉस पॉजिटिव, ऐसा आपको फोर्थ क्वाड्रेंट मिलता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये दोनों कंडीशन सिंप्लीफाई चलेगी, 10 नेगेटिव और कॉस पॉजिटिव जब कॉमन चाहिए, तो दोनों की कंडीशन लेके चलेंगे। तो 10 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव और कॉस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ऐसे कॉमन जो दोनों में कॉमन होगा वो बताना है। हालांकि 10 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, लेकिन हमको वो नहीं लेना है, हमको वो लेना है जो दोनों के लिए सेम हो, तो ऐसा आपको फोर्थ कंडीशन में मिलता है। तो 10 में 10 की वैल्यू 1 कब आती है 45 डिग्री पे,
लेकिन हमको ये वन वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए. फोर्थ क्वाड्रेंट को हम लिखते हैं 10 टू पाई माइनस पाई बाय फोर. एंड कॉस आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये भी आपका वैसे तो ये पाई बाय फोर पे होता है, पर इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लिख रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये होगा टू पाई माइनस पाई बाय फोर. तो ये आपके पास आ जाएगा 10 थीटा इक्वल्स टू 8 माइनस 1 7 पाई बाय 4, तो 10 7 पाई बाय 4. और यहाँ पे भी आपका हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू cos 7 पाई बाय 4. फॉर्मूला अप्लाई करें 10 थीटा इक्वल्स टू 10 अल्फा, तो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा. और यहाँ हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 2 n पाई प्लस अल्फा प्लस माइनस 7 पाई बाय 4. अब कॉमन सॉल्यूशन कैसे निकालें? कॉमन सॉल्यूशन थोड़ा समझने का होगा आपको. n बिलोंग्स टू i, n बिलोंग्स टू i. देखिए बेटा, ये n क्या देता है आपको? सारे इंटीजर. लेकिन 2n क्या देता है आपको? इवन इंटीजर. समझिएगा, n का मतलब सारे इंटीजर है, लेकिन 2n का मतलब क्या होता है? इवन इंटीजर. तो इवन और सारे इंटीजर अगर है, एक ग्रुप है जिसमें सारे इंटीजर भी हैं और इवन इंटीजर्स भी हैं, तो कॉमन क्या होगा उनमें? इवन. तो इवन के लिए आपके पास आ जाएगा 2n पाई. अब यहाँ प्लस और माइनस दोनों 7 पाई बाय 4 है और यहाँ सिर्फ प्लस है, तो कॉमन क्या हुआ दोनों में? प्लस. तो ये आपका हो गया कॉमन सॉल्यूशन. ये आपकी सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई. इसके बाद अगर आपको कोई भी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, क्योंकि आपके ये सी डी ई सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मैसेज से पूछ सकते हैं, आपको फिर से बता दिया जाएगा कोई भी आपको क्वेश्चन में, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सॉल्यूशन क्लियर होगा. किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है आप पूछ सकते हैं मुझसे भी और सर से भी.